हम अब एक ड्रॉप लेते हैं सैंपल का, और एक ड्रॉप जस्ट हमने इसके अंदर होल ब्लड का डाल दिया है, और ये ड्रॉप 5 माइक्रोलीटर तक होता है। तो अब हमने मलेरिया का लिया बफर, मलेरिया का बफर लिया, और बफर के 2 ड्रॉप हमने इसके अंदर डाल दिए, और इसका ऑटोमेटिकली ये बफर चलना शुरू हो जाएगा। बफर का मतलब होता है कि ये इसकी ना पीएच को मेंटेन करता है। ऐसे अगर हम होल ब्लड इसमें डाल दें ना तो वो फ्लो नहीं करेगा, और फ्लो नहीं करेगा तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी, हमारा टेस्ट की एक्यूरेसी नहीं आएगी, और ना हमारा टेस्ट शो होगा कि हमारा टेस्ट है क्या। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं कि ये फ्लो करना शुरू हो गया है, बफर डालते ही ये फ्लो करना शुरू हो गया है। और अब आपको बताऊं इसके अबॉर्ट के ये टेस्ट पता कैसे चलता है। अब ये देख रहे हैं कि ये सी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कंट्रोल। एक लाइन हमारे इधर कंट्रोल पे आनी ही आनी है। अगर सपोज के हमारे कंट्रोल पे लाइन नहीं आई, इट्स मीन के हमारा टेस्ट सही परफॉर्म नहीं हुआ, और कंट्रोल पे लाइन आएगी तो इट्स मीन के हमारा टेस्ट परफॉर्म हुआ है। और इसके पीछे आप देख रहे होंगे कि एक पीएफ लिखा हुआ है, एक पीवी लिखा हुआ है। ये बेसिकली मलेरिया की 2 डिजीज हैं, कि अगर इनमें भी, अगर एक लाइन मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आगे चल रही है लाइन, जो लाइन सी कंट्रोल पे आएगी ना, अगर ये मलेरिया हमारा पॉजिटिव हुआ तो ए इनमें से एक या 2 लाइनें शो हो जाएंगी। अगर एक भी लाइन शो हुई तो हमारा सपोज के पी वाई पे शो हुई, पी वी पे, तो हमारा पी वी पॉजिटिव होगा, और पी एफ पे शो होगी तो हमारा पी एफ पॉजिटिव होगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि सी पे एक लाइन आ गई है कि हमारा टेस्ट जो परफॉर्म हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है। तो ये टेस्ट होते हुए इसकी हम ना 15 मिनट तक हम इसका रिजल्ट फाइनल दे सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कुछ भी जो भी रिजल्ट होगा वो 15 मिनट में ना क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।